मॉर्निंग फ्रॉम पीपलकोटी। तो अभी हमें पीपलकोटी इलाके में, अभी हम बद्रीनाथ को जा रहे हैं। यहाँ से बद्रीनाथ लगभग कितना किलोमीटर होगा जी? 60 किलोमीटर के आसपास होगा, जैसे कि जोशी जी बता रहे हैं। और मैं यहाँ पर इसलिए रुका हूँ, यहाँ से इसलिए अपनी वीडियो शुरू कर रहा हूँ आज की। आज हमारा जो तीसरा दिन है बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा का, तो बहुत ही शानदार जगह है यहाँ पर। हालाँकि थोड़ी डेंजर जगह है, ऊपर से पूरे पत्थर गिरने के जो है यहाँ पर वो लगे हुए हैं, साइन लगे हुए हैं, साइन बोर्ड लगे हुए हैं कि यहाँ पत्थर गिर सकते हैं। तो खूबसूरत भी है जगह, यहाँ पर मैं रोक नहीं पाया अपने आप को। ऊपर देखो कितने बढ़िया पहाड़ हैं, कितने खूबसूरत पहाड़ लग रहे हैं। तो यही खूबसूरती है हमारे उत्तराखंड की कि लोग देश विदेश से यहाँ खींचे हुए चले आते हैं। यही है हमारी उत्तराखंड की खूबसूरती। जय उत्तराखंड। तो आज हम जाने वाले हैं बद्रीनाथ। कल हम रात को यहीं रुक गए थे। तो जोशी जी, इस जगह के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? पहाड़ों की रानी, मसूरी को छोड़ दो तो पहाड़ों की रानी, आप यहाँ को भी कह सकते हैं। देखिए कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं, क्या शानदार इलाका है। पिछली बार यहाँ कुछ आपने देखा होगा, वीडियोज देखी होंगी, जो विष्णुगढ़ परियोजना थी, वही वाली नदी है। ये नीचे आप देख रहे हैं, वही वाली नदी है। यहाँ पर मेरा ड्रोन शॉट लेने का मन घो रहा था, लेकिन यहाँ पर हवा इतनी चली है कि मैं ड्रोन उड़ा नहीं सकता हूँ यहाँ पर, क्योंकि ड्रोन अगर हवा में चले गया तो चले गया फिर। प्रोडक्शन में पूरी आगे पीछे हमारी आर्मी चली हुई है, पूरी प्रोडक्शन दे रखी है हमको। थैंक यू इंडियन आर्मी। तो अभी हम पहुंच चुके हैं जोशी मठ। यहाँ से एक रोड जाती है ओली को ऊपर, ओली है 16 किलोमीटर यहाँ से, बद्रीनाथ 45, गोविंद घाट 20, जोशी मठ 1। तो जोशी मठ के एरिया में आ गए हम, और यहाँ से तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 3 किलोमीटर है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये पूरा पावर प्रोजेक्ट का एरिया है। आप हमारे सामने लिखा हुआ देख सकते हैं कि जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड। देखिए आप देख रहे हैं कि अलकनंदा नदी रौद्र रूप में बह रही है। यहाँ पर हम पहुँचने वाले हैं गोविंद घाट, जहाँ से पवित्र हेमकुंड साहिब की पैदल यात्रा शुरू होती है, जो कि आजकल चल रही है। हमारी बॉर्डर वाली रोड है, सारी आर्मी देख रही है, तो BRO इस काम को करवा रहा है। पूरा जालियां बनी हुई हैं जो कि दीवारों को रोकने के लिए, ताकि कोई अनहोनी ना हो। इधर दीवारों का भी ट्रीटमेंट किया जा रहा है, ये आधुनिक टेक्नोलॉजी है। अभी यहाँ पर थोड़ा रुके हुए हैं, यहाँ पर कुछ काम चल रहा है रोड का। बहुत ही खूबसूरत और ख़तरनाक नज़ारे आप देख रहे हैं देवभूमि उत्तराखंड के, मेरे चैनल के माध्यम से UK लाइव। तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ऐसे नज़ारे आगे भी हम आपको दिखाएंगे उत्तराखंड के। Yes.
जय हो बद्री विशाल। फाइनली हम पहुंच गए हैं बद्रीनाथ धाम पे, तो यहां से पैदल जाना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, तो दिखाते हैं आपको हम बद्रीनाथ धाम। तो सामने वहां जाना है, आइए मंदिर मार्ग इधर से, कहां से ये पहुंच चुके हैं हम बद्रीनाथ धाम। ये नीचे बह रही है अलकनंदा नदी, बड़ा सुकून यहाँ पर आके मिल रहा है। स्वर्ग गए हैं या बद्रीनाथ धाम गए एक ही बात है। Thank you.